students, how are you? I hope you are enjoying the online classes. Welcome to RS group of the schools. This is Naresh Verma, your English teacher. Let's continue the topic preposition. So this is above. Above is used in the sense of higher than. With the examples you will understand. Title is given above the passage. This is a plain surface and title is given above the passage. Passage ek niche diya hua, uske upar title likha hua hai. वहाँ पर क्या यूज करेंगे? Above यूज करेंगे. The roof is above my head. अब head के मेरे ऊपर roof है और roof ने पूरा cover किया हुआ है वहाँ पर, है ना? Level भी ऊपर उसके ऊपर है, बीच में gap भी है, space का. Head is above shoulders. अब देखिए shoulders ये हैं और यहाँ पर आपका head है, तो यहाँ पर क्या यूज होगा? Above. Today's temperature is above 37 degree Celsius. यहाँ पर हम above यूज करेंगे. You are above 40. देखिए एज के मामले में जब एज उसकी दी होती है तो वहाँ पर हम above यूज़ करेंगे, और जब एज वर्ड लिखा हो तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे over. जैसे you are over age, वहाँ पर above नहीं यूज़ होगा, यहाँ पर above ही यूज़ होगा जब कोई एज दी होगी. A is above B. यहाँ पर अपोजिट, जैसे हमने कल below के बारे में बताया था कि यहाँ पर जब level के नीचे कोई चीज़ होगी तो वहाँ पर below यूज़ करेंगे, और लेवल के अगर ऊपर कोई चीज़ है बट वो मतलब परपेंडिकुलर नहीं है, थोड़ा सा वहाँ से हट के है, तो वहाँ पर यूज़ होगा आपका ए, मतलब एबव यूज़ होगा. ए इज़ एबव बी. नाउ कम टू टू एंड टूवर्ड्स. अब कहाँ पर यूज़ करेंगे टू, कहाँ पर यूज़ करेंगे टूवर्ड्स? टू शो करता है डायरेक्शन, डेस्टिनेशन को, और टूवर्ड्स शो करता है डायरेक्शन को. ही वेंट टू हिज विलेज. अब वो विलेज अपने जा रहे हैं, विलेज डेस्टिनेशन हो गया, तो वहाँ पर यूज करेंगे टू. श्रीलंका इज टू द साउथ ऑफ इंडिया. अब यहाँ पर थोड़ा बताना चाहेंगे कि जैसे अब जो डायरेक्शन के मामले में जब हम टू यूज करेंगे तो जो इंडिया है, इंडिया के बॉर्डर के उस पार काफ़ी दूर श्रीलंका सिचुएटेड है, तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे टू यूज़ करेंगे. श्रीलंका इज टू द साउथ ऑफ इंडिया. अगर कोई चीज़ बॉर्डर पर वहाँ पर सिचुएटेड होगी तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे ऑन, और अगर उसके अंदर कोई चीज़ सिचुएटेड है कुछ बॉर्डर के अंदर तो वहाँ पर यूज़ करेंगे इन. और दूसरी चीज़ एक और है कि श्रीलंका जो है और साउथ ऑफ इंडिया मतलब इंडिया जो, दोनों चीज़ें क्या हैं? स्टेशनरी पोजिशन पर हैं, तो वहाँ पर की ओर के सेंस में है कि श्रीलंका जो है इंडिया के साउथ की ओर है, तो वहाँ पर टूवर्ड्स नहीं यूज़ होगा, वहाँ पर टू यूज़ होगा. दे आर गोइंग टूवर्ड्स द स्टेशन. स्टेशन की तरफ जा रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि वो स्टेशन जा रहे हों, ठीक है ना? स्टेशन की ओर जा रहे हैं, वहाँ पर क्या यूज़ होगा? टूवर्ड्स. सो नेक्स्ट इज ओवर. ओवर इज़ यूज वेन वन थिंग कवर्स एनदर. जब कोई एक चीज़ दूसरी चीज़ को कवर करती तो वहाँ पर यूज़ करेंगे ओवर. जैसे पुट अ कॉटन शीट ओवर द बेड. बेड के ऊपर कॉटन शीट को डाल दो, तो जब कॉटन शीट डाली जाएगी तो वो पूरे बेड को कवर कर लेगा, हालांकि वो कॉन्टैक्ट में होगा फिर भी वो कवर करेगा पूरी चीज़ को, तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे? ओवर यूज़ करेंगे. लेकिन अगर कॉटन शीट फोल्डेड है और उसको कहा जा रहा है कि मतलब उस पर रख दो, तो वहाँ पर हम करेंगे पुट अ कॉटन शीट ऑन द बेड. जब पूरा कवर करेगा बेड को तो वहाँ पर ओवर यूज़ करेंगे, जब उसको स्प्रेड कर देंगे. और अगर हम फोल्डेड है कॉटन शीट, अगर उसको रखना है बेड के ऊपर, तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे ऑन. सेकेंड वन इज़ इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर इंडिया. अभी इंग्लिश जो है, इंग्लिश जो स्पीकिंग ऑफ इंग्लिश है उसने पूरे इंडिया को पूरे कवर कर रखा है, ठीक है ना? द फैन इज ओवर और एबव माई हेड. यहाँ पर बोथ द प्रिपोजिशंस आर राइट, चाहे इसमें ओवर यूज़ कर सकते हैं और या फिर एबव यूज़ कर, बोथ आर राइट. यू आर ओवर एज. मैंने कहा था ना कि जब एज वर्ड लिखा होगा तो वहाँ पर यूज़ करेंगे ओवर. अगर एज आपकी दी हुई है 30, 40, 50 जो भी है, तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे एबव. नेक्स्ट इज बिफोर और इन फ्रंट ऑफ. देखिए दोनों का मीनिंग क्या है? फेस टू फेस, आमने सामने. लेकिन कहाँ पर यूज़ करेंगे बिफोर और कहाँ पर यूज़ करेंगे इन फ्रंट ऑफ, देखिए समझ लीजिए. जैसे लिखा है शी वॉज सिटिंग बिफोर और इन फ्रंट ऑफ मी. यहाँ पर देखेंगे तो शी और मी दोनों एक तो लिविंग हैं, बोथ आर डायनेमिक, दोनों मूव कर सकते हैं, तो वहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं बिफोर या फिर इन फ्रंट ऑफ, ठीक है ना? इसके बाद लिखा है आई वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द गेट. अब यहाँ पर जो आई है वो तो डायनेमिक है, लेकिन गेट आपका स्टैटिक, गेट एक जगह स्थिर रहता है, और आई जो है वो मूव कर सकता है, तो यहाँ पर केवल यूज कर सकते हैं इन फ्रंट ऑफ, यहाँ पर आपका बिफोर नहीं आएगा. फिर लिखा है अ टेम्पल इज इन फ्रंट ऑफ माई हाउस. सेकेंड सिचुएशन क्या है कि मतलब जब दो चीज़ें हैं जो दोनों चीज़ें स्टेशनरी हैं, एक टेम्पल है और दूसरा एक हाउस है,
बोथ आर स्टेशनरी, बोथ कैन नॉट मूव, तो वहां पर हम यूज करेंगे इन फ्रंट ऑफ. ओके, नेक्स्ट इज सिंस. सिंस विल बी यूज इन द पॉइंट ऑफ टाइम. कैलेंडर शेड्यूल जो होता है जितना भी, उसमें हम हर जगह सिंस यूज करेंगे इन द शेड्यूल ऑफ कैलेंडर. जैसे सिंस 2010, ये आपका ईयर का नेम हुआ, द नेम ऑफ अ ईयर. सिंस फरवरी, दिस इज द नेम ऑफ अ मंथ. सिंस मंडे, दिस इज द नेम ऑफ अ डे. सिंस दिवाली, दिस इज द नेम ऑफ अ फेस्टिवल, पर्टिकुलर फेस्टिवल. सो दीज आर पर्टिकुलर टाइम्स, दैट्स वाई वी विल यूज हियर सिंस. ओ क्लॉक, दिस इज द एग्जैक्ट टाइम ऑफ वॉच. लाइक इट इज रेनिंग सिंस 2 o'clock, 2 बजे से बारिश हो रही है. स्टेज, कोई भी मतलब चीज की स्टेज होती है, वहां पर हम यूज करेंगे सिंस यूज करने से. आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस बर्थ, मैं बर्थ से यहाँ पर रह रहा हूँ. तो बर्थ इज अ स्टेज ऑफ लाइफ, सिंस चाइल्डहुड, सिंस बर्थ. ओके, सो यहाँ पर सिंस यूज होगा. नेक्स्ट इज फॉर. फॉर विल बी यूज फॉर पीरियड ऑफ टाइम. जैसे ही हैज बीन स्टडिंग हियर फॉर 2 hours, दिस इज द पीरियड ऑफ टाइम. पूरा ड्यूरेशन 2 hours का हम वहाँ पर यूज करेंगे. फॉर शी हैज बीन डांसिंग फॉर 1 hour, पूरे 1 घंटे से वो डांस कर रही है, तो यहाँ पर ड्यूरेशन आपका हो गया. और एक सेंस आपका होता है फॉर का, के लिए. जैसे इट इज़ फॉर यू, यहाँ पर मीनिंग है टाइम का, और यहाँ पर एक दूसरा मीनिंग है किसी के लिए, तो वहाँ पर हम यूज करेंगे फॉर, इट इज़ फॉर यू. नेक्स्ट इज ऑन वर्सेज अलोंग. कहाँ पर हम यूज करेंगे ऑन और कहाँ पर अलोंग. जैसे लिखा हुआ है शी इज वॉकिंग ऑन फुटपाथ. अब यहाँ पर ऑन यूज किया गया है बिकॉज फुटपाथ इज अलाउड फॉर एनी पेडेस्ट्रियन. शी इज वॉकिंग अलॉन्ग द रोड. अब यहाँ पर रोड जो है उसके लिए पूरा नहीं है, मतलब वो पूरा रोड कवर करके नहीं चल सकती है. तो वहाँ जब रोड पर चलेगी वो, तो वो किनारे किनारे चलेगी. मतलब अलॉन्ग का मीनिंग वहाँ पर ये होता है कि जब कोई चीज़ पैरेलल हो और किनारे किनारे मतलब मूवमेंट होना चाहिए, तो वहाँ पर आप अलॉन्ग यूज करेंगे. द कार इज रनिंग ऑन द रोड. अब ये कार है, कार इज अलाउड टू रन ऑन द रोड. रोड को कवर करेगी, काफ़ी कुछ कवर करेगी, तो वहाँ पर आपको ऑन आएगा. अब देखिए बिटवीन वर्सेज एमंग. बिटवीन फॉर टू थिंग्स और पर्सन्स, एंड एमंग फॉर मोर देन टू और पर्सन्स. द सीक्रेट वॉज बिटवीन यू एंड मी. जो सीक्रेट था वो तुम्हारे और मेरे बीच में था. द मनी वॉज डिवाइडेड बिटवीन टू ब्रदर्स. दो ब्रदर्स हैं, उनके बीच में मनी को डिवाइड किया गया. आई वॉज स्टैंडिंग एमंग माई फ्रेंड्स. मैं अपने फ्रेंड्स के बीच में खड़ा था, तो यहाँ पे फ्रेंड्स वर मोर देन टू. दैट्स ऑल.